दोस्तों, आपका आज फिर से मेरे इस कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं, इसका नाम है वांगी भात। वांगी मतलब बैंगन और भात मतलब राइस। तो साधारण बोलचाल की भाषा में इसको बैंगन पुलाव भी बोल सकते हैं। ये डिश जनरली कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में काफ़ी प्रचलित है और ये बनाने में बड़ी आसान होती है, खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। और हाँ, आप लोगों ने अभी तक के जो भी मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रोत्साहन के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ और मेरी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि आपको मैं अच्छे अच्छे डिश की वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। वांगी भात बनाने के लिए हमको एक अलग तरीके का मसाला तैयार करना पड़ेगा। वो मसाला तैयार करने की विधि मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए हमको जो चाहिए वो है आधा कटोरी तुअर की दाल, आधा कटोरी उड़द की दाल, थोड़े से मेथी के दाने, थोड़े से तेज पत्ता, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी दालचीनी, एक चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची, ये आधा कटोरी घिसा हुआ नारियल। ये जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ड्राई भूनेंगे, इसमें तेल वेल का उपयोग नहीं करेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तब ये मसाला इन इंग्रेडिएंट्स के साथ में उसको जोड़ दिया जाएगा। ये जो है ये बेसिकली वांगी भात बनाने के काम आएंगे। तो इसके लिए हमने ये बैंगन के टुकड़े काटे हुए हैं छोटे छोटे, 3 या 4 बैंगन ले सकते हैं आप। कोई भी प्रकार का बैंगन जो आपके पास उपलब्ध हो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ये चावल उबाला हुआ है। चावल उबालने की विधि तो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये तो बहुत ही आसान होता है और ये आप आराम से कर सकते हैं, आपका समय खराब होगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता लिया हुआ है, आधी कटोरी में इमली का पानी बनाया है मैंने यहाँ पर, इसको मैं आखिरी में उपयोग करूँगा। ये थोड़ा सा सूखा हरा धनिया, इसको हम बाद में गार्निशिंग में उपयोग करेंगे। ये थोड़ी सी चने की दाल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है और 1 चम्मच राई है। और जो हम हर बार आखिरी में भूल जाते हैं डालना, नमक, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार इसमें डालें। अब ये मैंने धीमी आंच में इसमें पैन चढ़ाया हुआ है, इसमें मैं ये तुअर की दाल डाल दूंगा और साथ ही साथ उड़द की दाल डाल दूंगा और इसको ऐसे चम्मच से हल्का सा चलाते रहें। थोड़ा देर इसको भूनने दें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगी दाल की भुनने की और ये देखिए थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें दालचीनी, इलायची, लौंग और बाकी के भी जो मसाले थे, ये खड़ी लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी और मेथी, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगा। ये जो हमने वांगी भात के लिए जो मसाला को ड्राई भुना था, ये ठंडा हो गया, इसको मैंने मिक्सी में डाल लिया और इसमें मैं ये आधी कटोरी घिसा हुआ नारियल डाल के इसको मैं पीसूंगा। तो जब आप इसको पीसेंगे तो ये करके घूमेगा और इसके लिए आप बीप कंपनी की मिक्सी को यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने जो वांगी भात का मसाला बनाया था उसको हमने यहाँ रख लिया है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं। आइए अब हम इसको कुक करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये पैन में 4 चम्मच तेल डालूंगा, ये कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। और फिर इसमें ये जो मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल ली थी उसको डालूंगा और अब इसको आप थोड़ी देर ऐसे चलाएं। इसमें आप राई डाल लें, इसको थोड़ी देर चलाएं। इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल के अब हम इसमें ये जो कटे हुए बैंगन थे इसको मिला देंगे। इसको आपको कैसे मिलाना है आपको पता है, घचर 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 मिलाएं। अब जैसे ही ये थोड़ा सा भुन गया बैंगन तो अब हम इसमें ये जो इमली पानी है इसको डाल देंगे।
और इसको ऐसे घचर 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 मिला देंगे। अब इसमें हम ये जो वांगी बात का मसाला बनाए थे, ये करीब 5 या 6 चम्मच ऐसे अंदाजे से डाल के इसको मिला दें और फिर इसको ढक के रख दें और इसको कुक होने दें। ऐसे इसको अच्छे से मिला दें। अब ये जो हमने ये बैंगन का मिश्रण बनाया था ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये राइस को मिला देंगे और हमारा वांगी भात तैयार हो जाएगा। सब काम हमने कर लिया, एक काम भूल गए, नमक डालना भूल गए। नमक अपने स्वाद अनुसार उसमें डाल लें। अब ये वांगी भात तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको गार्निश किया हूँ। ये दिखने में जितना अच्छा है और खाने में जितना स्वादिष्ट है, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू होती है। इसे आप रायते के साथ खा सकते हैं, अपने घर में दोस्तों को बुलाएं, बनाएं, खिलाएं और खुद भी खाएं और इसे एंजॉय करें।